नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय बिहार के मुजफ्फरपुर में है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के हर शहर हर गली में आपको एक लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। हम जब बिहार में पहुंचे तो ऐसी ही एक स्टोरी मिली देखने को, जो सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि करोड़पति बाप की बेटी ने एक गरीब लड़के से जो है प्रेम विवाह कर लिया है। तो ये वो दोनों शख्स हैं जिनकी स्टोरी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि क्या वाकई में लड़का गरीब है, क्या लड़की करोड़पति बाप की बेटी है। तो यहाँ कहानी क्या कुछ निकल के आई वो तो इन्हीं लोग की जुबानी आप सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस लड़के के घर की, तो आप देखिए, जिसको देखने के बाद आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, लड़का जो है वो गरीब है, लेकिन क्या लड़की वाकई में करोड़पति है, क्या उनके पिता कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। चूँकि तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसी खबरें चल रही थी, और इसको जानने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए हम ज़मीनी हकीकत पे पहुँचे हैं, ग्राउंड जीरो पे इनके पास पहुँचे हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मुस्कान पटेल। आपका? आलोक पटेल। क्या कुछ सच्चाई है इस कहानी के पीछे जो सोशल मीडिया पर लगातार तेज़ी से चल रहा है कि आप करोड़पति बाप की बेटी हैं और ये गरीब हैं, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ये एक अफवाह है कि हम करोड़पति हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने टीआरपी के लिए अफवाह फैला के रखे हुए हैं। हम कोई करोड़पति घर के नहीं, नॉर्मल जैसे घर होना चाहिए वैसा घर है। मेरे पापा का एक छोटा सा दुकान है बस, और कुछ भी नहीं। दुकान चलाते हैं आप पापा? किस चीज़ की दुकान है उनकी? चावल आटा, ये सबका। चावल आटे की दुकान। देखिए, इनके पिताजी की चावल आटे की महज एक दुकान है। बहुत ज़्यादा ये करोड़पति नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे इस तरह से जो है प्रस्तुत किया कि लगा कि हाँ, एक करोड़पति बाप की बेटी जो है वो वाकई में एक गरीब के झोपड़े में, गरीब के महल में जो है वो चली आई है। आप लोगों ने जब ये खबर देखी तो कैसा लगा? आप लोगों ने क्या सोचा? सबसे पहले तो हमें बुरा लगा कि लोगों ने झूठा अफवाह फैला दिया है। उसके बाद हमने उन सबसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर, आपने थंबनेल गलत लगाया कि करोड़पति के घर की लड़की वाक्य आ गई गरीब के घर पर। हाँ, मेरा जहाँ तक सच्चाई है, हाँ, सच में सच्चाई कि हमने गरीब है, लेकिन ये करोड़पति ने एक मिडिल क्लास फैमिली से, इनका एक छत का घर है, बढ़िया से सब लोग अच्छा से कमा लेते हैं, खा लेते हैं, खुशी से रह लेते हैं। ये करोड़पति नहीं है, जो महलों वाली बात है। बिल्कुल, क्या करेंगे, क्या कहेंगी आप? आपको कैसा लगा जब आपने सुना? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से करोड़पति बाप की बेटी आपको प्रस्तुत किया गया, तो कहीं ना कहीं आपके घर वालों को भी इस बात का हर्ट हुआ होगा। गांव के आपके लोग, गांव के लोग भी देखे होंगे, तो वो लोग भी मजाक उड़ाए होंगे उन लोगों का। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, हमको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और हम सोचिए कि सब अपने व्यू के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी लिख देते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं। और जहाँ तक बात मतलब मेरे फैमिली वालों को, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हुआ उस जगह से भी, पापा को सब कोई बोले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, व्यूज़ के लिए सच्चाई आज कोई नहीं दिखा रहा, जबकि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है, उसका काम ही होता है सच दिखाना, तो सच लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पे हम पहुँचे और सच्चाई जो है उससे कहीं अलग है, इतर है। ये मिडिल क्लास की लड़की है और इनको जो है एक अपने से नीचे लेवल के लड़के से प्यार होता है। कास्ट क्या है आप लोग की? सेम कास्ट, पटेल। सेम कास्ट आप दोनों लोग जी। तो अब जरा सा लव स्टोरी के बारे में बताइएगा, कैसे मुलाकात हुई आपकी? जैसे कि मेरी छोटी वाली बहन से इनका फ्रेंडशिप था, तो उसका एक्सीडेंट एक दिन हो गया, तो इसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया था, तो यही गोलगप्पा खाने के लिए बुलाए थे। तो हम गए, तो स्कूटी चलाकर हम ही गए, तो उसी दौरान हम दोनों का मुलाकात हुआ था। मतलब गोलगप्पा खाने के लिए पहुँची, फिर आँखें चार हुई, फिर मोहब्बत हो गई। फिर किसने पहले प्रपोज किसने किया? हमने किया। आपने किया? देखिए, कहा जाता है कि वाकई में लड़के पहले प्रपोज करते हैं, तो यहाँ पे भी प्रपोज जो है इन्होंने ही किया। क्या आपको लग रहा था कि ये तो इनका घर परिवार जो है ऊंचा है, आपको एक्सेप्ट करेंगे? सबसे पहले तो ये हम नहीं जानते थे कि इनका घर परिवार कैसा है, क्योंकि वो चीज़ हम देखते ही नहीं है। इनकी बहन से आपकी फ्रेंडशिप थी? हाँ, तो आप फ्रेंडशिप थी, पर हमने उनसे भी कभी नहीं पूछा था कि आपका घर कैसा है, आपके लोग, ये सब हम कभी जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, इनको जब प्रपोज किए तो ये हमारा फर्स्ट प्रपोजल रिजेक्ट कर दी। जब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर प्रपोज किए थे, इन्होंने बोला कि नहीं, ये हम ये सब नहीं करते, हमको इस सब चीज़ में रहना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती नहीं है। उसके कुछ दिन बाद मेरी दीदी का तबीयत ख़राब हो गया, तो इन्होंने हमें स्टोरी डाली थी, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हमने एक स्टोरी डाली थी कि दीदी का तबीयत ख़राब था। इन्होंने रिप्लाई किया कि क्या हुआ आपकी दीदी को, कैसी है? मैंने कहा ठीक है, अभी पहले से और बेटर सुधार हो रहा है। उसी के बाद थोड़ा थोड़ा दोस्ती के नाते हम दोनों का बात बीच बढ़ा, और डेढ़ दो महीने के अंदर हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लिया। उसके बाद हम सामने से इनको बुला करके प्रपोज किए, तब जाके एक्सेप्ट किए। उसके बाद इनके घर पर पता चला, फिर वो लोग आए हमको घर पर, धमकी वगैरह दिए। तो हमने कहा कि कास्ट हम दोनों का सेम है, जहाँ तक हर माता पिता चाहता है कि उनकी बेटा बेटी जो है वो अच्छे घर में जाए, अच्छे लड़के के पास। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे मौका दो,
मैं वैसा बन के दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं बस 2 साल का टाइम चाहिए था, क्योंकि इनका शादी वैसे भी 4-5 साल बाद ही होने वाला था। तो वो लोग मेरा ये बात ना मान करके इनका शादी कहीं और ठीक करने लगा, और मेरा बात ना माने कि ना शादी मैं तुमसे ना कराऊंगा। मैंने कहा तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग भाग के शादी कर लिए। भाग के शादी किए, और आप इनके साथ मतलब गोलगप्पा खाने के दौरान मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज हुआ, फिर मिलती हैं प्रपोज करते हैं। फिर आपको ये डर नहीं लगा, क्योंकि इसी बिहार की एक लव स्टोरी आपने देखी होगी, छोटू और आरती की प्रेम कहानी चली थी, और ये बता रहे हैं इनको भी धमकी, आपको डर नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, हमको ऐसा कुछ डर नहीं लगा, क्योंकि देखिए इंसान को जानने के लिए 1 दिन भी काफ़ी होता है, तो हम इनको उतने दिन में ही बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे, और ये एक बहुत अच्छे इंसान है, और ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है, तो इस कारण हमको डर नहीं लगा, और यही वजह है कि हम इनसे शादी भी किए। तो अगर आपके घर की बात करें, तो जिस तरह से इनका घर घर दिख रहा है, ये बांस बल्ली का बनाया गया है, छप्पर डाला गया है, आपके घर और इनके घर में कितना अंतर, कैसा है आपका घर इनके घर की तुलना में? अच्छा है। हाँ, इन मेरे घर की तुलना में इनका घर बहुत अच्छा है, जैसे कि इनका छत का घर है, 22 रूम में लगा हुआ है, सब कुछ सही है। तो अब आप वो घर छोड़ के आई हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? हमको कोई प्रॉब्लम एडजस्ट कर ले रही हैं? एडजस्ट नहीं कर रहे, हम खुशी से रह रहे हैं। खुशी से रह रही हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। अच्छा, जब वहाँ से आप आई, अपने घर को छोड़ के आई, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोग, जो आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके मम्मी पापा को लोग ताने भी मारते होंगे? देखिए, आस पड़ोस के लोग के बारे में हम एक ही बात कहेंगे, क्योंकि उनको एक टॉपिक चाहिए। आज मेरा टॉपिक मिल जाए, कल मेरे से ज़्यादा बेटर टॉपिक मिल जाए, तो वो उन पे लग जाएंगे। अगर उससे भी ज़्यादा बेटर टॉपिक मिला तो उन पे लग जाते, उनको उस सबसे कोई मतलब नहीं रहता, उनको सिर्फ एक टॉपिक चाहिए हंगामा करने के लिए, वो मिल जाता है, वो सुकून से रह लेते हैं। तो आपने बात की अपने घर वालों से इधर बीच, कुछ बात होती हुई फिर? ज़्यादा किसी से नहीं, नाराज़गी तो है अभी, क्योंकि हम गलती किए भागकर, तो सिर्फ मम्मी से थोड़ा बहुत बात हो जाती है। बात होती है मम्मी से, पापा भी नाराज़ है। क्या करोगी उनको मनाने के लिए? लाइफ में सक्सेस हो जाए, लोगों का प्यार मिलेगा, तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे लोग, और सक्सेस हो गए तभी हम अपने मम्मी पापा के पास जा पाएंगे। इसलिए चाहते हैं कि लोग हमको जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, क्योंकि हमको बहुत जल्दी अपने मम्मी पापा के पास जाना है। याद आती है मम्मी पापा की? हाँ, मतलब मन में ये रहता है कि हाँ मम्मी पापा को छोड़ के आए, इस बात का तकलीफ रहता है मन में? तकलीफ नहीं, तकलीफ नहीं रहता है, याद सबको आता है, क्योंकि उस घर में मेरा बचपन बीता हुआ है, तो याद हमको हर एक चीज़ आता है। आप क्या करेंगे इनके लिए और इनके मम्मी पापा के लिए कि आपको भी एक्सेप्ट कर लें? सीधी सी बात है, जब तक हम अपने जीवन में सफल ना हो जाए, तब तक ना इनका फैमिली का, मेरा फैमिली भी एक्सेप्ट ना करेगा कि तुम भाई किसी काम का है। तो सबसे पहला काम मेरा वही है कि सफल होना, क्योंकि जब तक कोई मर्द कमाएगा नहीं, तब तक उसका ना अपने घर में इज्जत होगा ना बाहर इज्जत होगा। तो इज्जत ले लाए तो पहले कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो फिलहाल आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई तो मेरा चल ही रहा है साथ में। किस क्लास में? बी कॉम पार्ट टू। आप क्या कर रहे हैं? BA Part 1। अब बी ए पार्ट वन, आप बी कॉम, तो क्या करना है, पढ़ लिख के कुछ करना है आगे, कुछ सोचा है? कुछ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई जस्ट नॉलेज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मेरा उतना ज़्यादा मन, सच्ची बता रहे, पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा मेरा मन ही नहीं लगता है, तो पढ़ाई लिखाई करके हमको नौकरी नहीं करना है। मेरा बचपन से एक ही शौक और सपना है कि हमको सोशल मीडिया पर जाना है, यूट्यूबर बनना है, एक्टर बनना है, यही सब मेरा बचपन से सपना है कि हीरो टाइप का बनना है, तो बस इसी चीज़ पर हमको रहना है। तो एक्टिंग की फील्ड में आप दोनों लोग जा रहे हो, दोनों लोग एक्टिंग कर रहे हो आप, कल को आप बता रहे हैं कि ये किसी और के साथ इनको आप काम नहीं करने देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर कहीं बड़े पर्दे से ऑफर आता है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी, कहीं से भी आए, हम इनको आप नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, अगर इनके लिए ऑफर आ जाता है, इनको किसी फिल्म का ऑफर मिलता है, क्या आप इनको किसी और लड़की एक्टर के साथ काम करने देंगे, हीरोइन के साथ? जरूर। क्यों करने देंगे? क्योंकि मर्द को कमाना पड़ता है, मर्द जब तक नहीं कमाएगा तब तक उसको खुद के घर में इज्जत नहीं मिलेगी। नहीं, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन बट इनको कहीं ना कहीं आपको भरोसा नहीं लग रहा है इस चीज को लेकर? बात नहीं, सबसे पहली बात मुझे इतना पता है कि हम इतना कमा लेंगे, अपने परिवार को खुशी रख सकते हैं, तो हम नहीं चाहते कि मेरी पत्नी किसी और के साथ काम करे कुछ पैसों के लिए। अच्छा। और इतना पैसा हम कमा सकते हैं कि मेरी पत्नी खुश रहेगी, मेरा मम्मी पापा खुश रहेंगे, तो हमको जरूरत ही नहीं किसी और के पास भेजने का। और अगर वैसा कुछ बनाने का मेरा मन प्लान हुआ तो हम खुद का बना लेंगे, मतलब, और मेरी हीरोइन सिर्फ मेरी रहेगी, किसी और के पास हम नहीं भेजेंगे। और आप किसी और हीरोइन के साथ काम करेंगे? हाँ, मर्द है, हम कमा सकते हैं, हम कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, मर्द है, हम कमा सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो हम जस्ट एक्टिंग के लिए बात कर रहे हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टिंग की बात तो उनके लिए भी हो रही है ना, तो उनको उनको यहाँ समानता का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनको किसी और हीरो के साथ? मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मेरी पत्नी किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं, आपकी वाइफ आपको लेकर पूरी कंफर्टेबल है कि आप किसी के साथ भी काम करें? सबसे पहला बात कि हमको
एक्टिंग जो हम इनके सिवा किसी और के साथ कर ही नहीं पाते। और जहाँ तक कल के शूटिंग का बात बता रहे, गाना में किसी और का नाम आ रहा था तो वो तो हम ले ही नहीं पा रहे थे, और किसी और के साथ एक्टिंग क्या करेंगे सो बताइए। तो हम किसी और के साथ बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है, हम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ कम्फर्टेबल। मुझे कहा जाए कि इतनी मोहब्बत है कि आप सिर्फ इनका नाम ले सकती हैं, किसी और का। ऐसा हुआ था कि कल मतलब जो हमारा एल्बम शूट हो रहा था तो उसमें सिंगर का नाम रहता है ना, मतलब लीड रोल तो हम ही कर रहे थे, बस उसमें सिंगर का नाम आया, ये सिंगर के रोल नाम पे जाके अटक जा रही है, ये हो नहीं पा रहा। मैंने कहा चलो मेरा उस जगह पे मेरा नाम ले लो, लिपसिंग थोड़ा मिला दिया जाएगा, तो फिर मेरा नाम लिया जाके वो एक्टिंग हुआ। तो आप कैसे सोच सकते हैं किसी और के साथ काम करेगी। बिल्कुल, देखिए ये इनकी प्रेम कहानी है और हम चाहेंगे कि आप लोग भी जो है आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इन लोग का जो चैनल है वो आगे बढ़े और ये लोग का जो सपना है वो साकार हो सके। आप लोग के कुछ डायलॉग्स हैं जो कि फेमस हैं बहुत ज़्यादा, हाँ। बिहार में वायरल हो रहे हैं, हम यूपी से हैं, चाहेंगे जरा सा हुआ यूपी के लिए भी एक डायलॉग है, यूपी बिहार को हम भाई भाई मानते हैं तो उनके लिए भी एक डायलॉग सुनाइए। बोलिए। यूपी बिहार के दोस्ती इतना खास होके पूरा दुनिया वाला कहे खास ऐसा के यार हम नहीं होके पास होके सिस्टम ऑफ यूपी बिहार। क्या बात है। तो देखिए भैया ये है सिस्टम ऑफ यूपी बिहार, कुछ और भी है सिस्टम ऑफ यूपी बिहार वाला, बहुत सारे यूपी बिहार वाले, एक और होगा जो आसमानी वाले सूट पे बनाया होंगे कोई भी हो जो सिस्टम ऑफ यूपी बिहार का। हाँ देख लीजिए जी, पूरा दुनिया यूपी बिहार के नहीं, पूरा दुनिया वाला कहला कि यूपी बिहार के लड़का रंगदार के साथ गुनेगार हो गया, इज्जतदार के साथ कम और गुनेगार के साथ ज्यादा रह लिया ऐसा है। पूरा दुनिया वाला कहेला यूपी बिहार के लड़का इज्जतदार के साथ कम गुनेगार के साथ ज्यादा रहेला। सार लोगन के पते नहीं के काहे कि जब बात इज्जत पे आवेला तो इज्जतदार लड़का अपन इज्जत देखेला और गुनेगार गुनेगारी के में दोस्ती और मैटर। अरे यार अरे यार मैटर बराबर आ गया। और जब बात मैटर के आवेला तो यूपी बिहार के लड़का सामने खड़ा हो जाला। चलो दोबारा सुन लो यार, मैं बहुत पूरा दुनिया वाला कहेला यूपी बिहार के लड़का इज्जतदार के साथ है कम और गुनेगार के साथ है ज्यादा रहेला। सार लोगन के पते नहीं कहेगा जब बात मैटर पे आवेला तो इज्जतदार अपन इज्जत देखेला, गुनेगार दोस्ती यारी, सिस्टम ऑफ यूपी बिहार। क्या बात है। तो ये सिस्टम ऑफ यूपी बिहार, ये सिस्टम ऑफ यूपी बिहार लिखता कौन है आप लोग? मैं लिखता हूँ। आप लिखते हैं? हाँ। क्या बात है, लिखते बहुत अच्छा है आप, बहुत सारा डायरी भर के रखे हुए। तो देखिए ये है सिस्टम ऑफ यूपी बिहार और ये लिखते हैं और कितनी तेजी से वायरल हो गए हैं। लेकिन इनकी जो कहानी एक चल रही है सोशल मीडिया पे कि करोड़पति घर से ये निकल करके आई हैं और एक गरीब घर के लड़के से शादी कर ली, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टोरी है वो पूरी तरह से फेक है। हाँ, मिडिल क्लास की लड़की ये भी है और ये थोड़ा सा उनसे कम है, प्यार हुआ दोनों लोगों में और दोनों लोग शादी कर लिए। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस से? नहीं कहना चाहेंगे कि सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, जैसे देते आ रहे हैं वैसे ही दीजिए हमेशा। बताइएगा अपने चैनल के बारे में। हमारा एक YouTube चैनल है जो गुरु आलोक से है, जिसपे हमारा डेली लाइफ का ब्लॉग आता है कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग चैनल मतलब कमेंट लोग जो भी कमेंटेटर है उनके लिए खोला था मैंने। पहले हम ब्लॉग नहीं बनाते थे, पहले सिर्फ रील्स वगैरह ही बनाते थे। तो जब न्यूज़ वायरल हुआ तो उसमें कमेंट में चार वो कॉमन कमेंट मैंने सारे न्यूज़ में पढ़ा है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, देखते हैं रिश्ता कब तक चल रहा है, प्यार का भूत बहुत जल्दी उतरेगा। तो उनके लिए मैंने एक ब्लॉग चैनल खोल लिया कि भैया हम आज से ब्लॉग बनाएंगे, अपने लाइफ का डेली रूटीन डालेंगे, आप देखो हम कैसे जी रहे हैं और कब तक जी रहे हैं, आइए गुरु अलग से चैनल है वहाँ देखिए। बिल्कुल देखिए। तो इन्होंने अपना एक ब्लॉग चैनल भी बना लिया है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इनके चैनल पर देखेंगे कि हाँ कितनी खुशियों से इनकी जो है लाइफ चल रही है और साथ ही वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो कि व्यूज़ के लिए टीआरपी के लिए जो इस तरह से खबरें जो है प्रसारित कर देते हैं, उनसे भी कहेंगे कि भैया सच दिखाइए, क्योंकि आपके हाथ में माइक है और जिसके हाथ में आईडी होती है, जो मीडिया से जुड़ा होता है उसका काम होता है सच दिखाना।